इंग्लैंड में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। इसी को देखते हुए मेजबान इंग्लैंड टीम ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्पिनर आदिल रशीद को संन्यास से वापस बुला लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट एजबेस्टन में 1 अगस्त से खेला जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि मेजबान टीम अपनी स्पिनर तिकड़ी आर अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के जरिए इंग्लैंड के सामने कड़ी चुनौती पेश करना चाहेगी। भारत के इंग्लैंड के बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भी काफी कुछ कहा है। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह ने कहा कि टीम इंडिया इस बार काफी मजबूत टीम है। मनिंदर साल 1986 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। उन्होंने इस सीरीज में 15.58 की औसत से 12 विकेट चटके थे। उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली पहले टेस्ट के लिए 2 से 3 स्पिनर चुनेंगे तो उनके लिए फॉर्म और लय सबसे जरूरी पहलू होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गर्मी इंग्लैंड में पड़ रही है उसे देखते हुए अकेले स्पिनर को खिलाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मौसम के मिजाज को देखते हुए दोनों टीमें 1 से ज्यादा स्पिनर्स मैदान में उतारेंगी। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि अश्विन और कुलदीप को मौका दिया जाए। इसकी सीधी वजह यह है कि दोनों ही विकेट लेने में माहिर हैं। आपको विदेशी धरती में विकेट लेने वाले गेंदबाजों की जरूरत है। अगर मेरे स्पिनर 30 ओवरों में 120 रन देते हुए 5 विकेट झटकते हैं तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा कि जडेजा बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और इस तरह से वो रन बनाने का विकल्प भी आपको देते हैं, लेकिन मैं कम प्रभावी रहने वाले क्रिकेटर्स का बड़ा फैन नहीं रहा हूं। मुझे ऑलराउंडर्स पसंद है लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत बॉलिंग मुझे नहीं जमती। लेजेंडरी भारतीय ऑफ स्पिनर इलापल्ली प्रसन्ना, जो 1960-1970 में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने मनिंदर सिंह की बात को माना और कहा कि इंग्लैंड के मौसम का मिजाज भारतीय टीम के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि टीम में स्पिनर अपना काम बखूबी जानते हैं, उन्हें मौसम से मदद मिलेगी और साथ ही उनके पास विराट कोहली के रूप में एक शानदार कप्तान है। ऐसे में गेंद और बैट के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।